तुरंत नटकर नटखट नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज उर चंदन प्रकट हो गए चित्त में। पीताम्बरी पहन रखी है, मोर मुकुट पहना है, वंशी बजा रहे हैं, ऐसे तिरछे नेत्रन से इधर उधर मटक मटक के देख रहे हैं। इस दृश्य को देखते ही सुखदेव जी का तो हृदय व्याकुल हो गया। दौड़ करके उन बालकों के पास गए और बालकों से जाके बोले, तुम जिसका वर्णन कर रहे हो श्लोक में, ये कौन है? बालक बोले, हमको नहीं पता, हमको तो बस श्लोक याद है। बोले, कौन बताएगा इसके बारे में मुझको? बोले, हमारे गुरुदेव बताएंगे, उनके पास चलो। और सब बालक श्री शुकाचार्य जी को लेकर के वेदव्यास जी के पास आए। वेदव्यास जी को देख करके सुखदेव जी को सुख हुआ, ये तो मेरे पिता ही हैं। तब उन्होंने चरणों में प्रणाम करके कहा, पिताजी, आपने जिस भागवत का वर्णन सुनाया, जिसमें ये बरहा पीड़म श्लोक आकर के ये बालक सुना रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं ये कौन है? ये सांवरे सलोने ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं और उनके उनकी भाव भंगिमा देख करके ऐसा लगता है कि ये परब्रह्म की लीला तो नहीं हो सकती। परब्रह्म होते हुए वो इतने सहज, इतने सरल, इतने सौम्य कैसे हो गए? मुझे उनके बारे में जानना, कृपा करके बताओ। तब वेदव्यास जी ने कहा, बैठो। और तब वेदव्यास जी ने भागवत का ज्ञान सुखदेव जी को दिया। और सुखदेव जी ने जब वह ज्ञान प्राप्त किया, तब वही सुखदेव जी भ्रमण करते करते गंगा के तट पर पहुंचे और वहां जाकर के उन्होंने प्यासे को भागवत जी सुनाई। और वो कौन है? परीक्षित जी महाराज। श्री परीक्षित जी को 7 दिन तक श्री सुखदेव जी ने भागवत की कथा सुनाई। अब यहां प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज, परीक्षित जी कौन है, इनके बारे में हमको बताओ। तो सूत जी महाराज कहते हैं, वैसे तो परीक्षित के विषय में बोलना में ज्यादा उचित तो नहीं समझता, पर वक्षे कृष्ण कथोदयम्। परीक्षित की कथा सुनोगे तो यहां कृष्ण की कथा का उदय होगा, इसलिए मैं परीक्षित की कथा सुनाऊंगा। और यहां से अब महाभारत का प्रसंग प्रारंभ होता है। अब महाभारत का प्रसंग जो यहां श्री सूत जी महाराज सुना रहे हैं, वो हम लोग कल सुनेंगे शाम को 5:30 बजे से। बंधुओं, कल चतुर्थ दिवस है कथा का, और कल क्या होगा? नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने। और कल की हमारी एक बात सुनो, कल कथा खूब विलंब तक चलेगी, मतलब आज भी विलंब, तो वैसे विलंब तो आज नहीं हुआ, ठीक है। कल हमको चित्र जी महाराज आकर के बोले महाराज, हमने कोई कमी कर रखी है क्या? मैंने कहा नहीं। तो बोले, आप समय पे कथा पूरी क्यों कर दे रहे हो? बोले, जब हम कोई कमी ना छोड़ रहे तो आप भी मत छोड़ो। मैंने कहा ठीक है। आज मैंने घड़ी नहीं देखी, अभी देखिए 9 बज गए। लेकिन बहुत आनंद मिल रहा है, इतना सुख मिल रहा है हमको, तो हम संकोच में कई भाव नहीं बोल रहा, नहीं तो मेरी इच्छा तो हो रही है कि मैं गाता ही रहूं। ऐसे रसिक जनों के भाव, ऐसे रसिक जनों की लीलाएं स्मृति में आती हैं, मानो ऐसा लगता है पीछे श्री गिरिराज जी हैं, वहीं से हवा बह करके उनका स्पर्श करके आती है। तो श्री कुम्मन दास जी वायु में बैठ करके आ जाते हैं, वाणी पे बैठ के बोला मुए बोल। सूरदास जी तो अभी खड़े हैं, बोले 3 दिन आए गए, तेने मेरो नाम नहीं लियो अभी तक, कब लेवे को? श्री नंद दास जी, परमानंद दास जी, अभी तो सबन को भाव आनो, अभी तो अष्ट सखाई ना भय है, यो कह रहे हैं संकोच मत। अच्छा, एक और बात बताएं, इस कथा के बाद हमारी अगली कथा पता कब से? 11 अगस्त से, बीच में हम छुट्टी पे जा रहे हैं, तो ये अभी एक प्रकार से जा तो रहे हैं विदेश, वहां से भी कथा तो करेंगे, पर माँ की कथा तो ऐसी है, 1-2 घंटा पूर्ण कथा तो यही चल रही है, तो एक प्रकार से ये लग रही है कि 1-1.5 महीना के विश्राम पे जा रहे हैं, तो खूब सारा हॉलीडे होमवर्क दे जाएंगे आपको, तो कल से तैयार रहो। और सीधे अब 11 अगस्त से कथा होगी श्री पंडरपुर धाम में, श्री पंडरीनाथ भगवान के चरणों में। उससे बीच में खाली तो नहीं बैठने देंगे हम, कुछ ना कुछ तो करवाएंगे आपसे, तो लगे हैं अब क्या करेंगे, लेकिन कल से खूब आनंद से, और थोड़ा विलंब तक कल भाव रहेगा, कल नंदोत्सव भी है।
और वाते आगे परसों गोवर्धन पूजा होगी। तो श्री गोवर्धन पूजा का एक बहुत सुंदर पद है, बहुत बड़ा पद है लेकिन बहुत सुंदर। एक बार मैंने गाया था गिरिराज जी में, सागरिया बाबा ने गवाया था उस पद के भाव। वहां एक एक चीज लिखी है, कौन कौन सी सामग्री रखी है, कैसे ठाकुर जी पूजा कर रहे हैं, उस पद का भी गान करेंगे तो खूब आनंद अभी होंगे। आज पूज्य गुरुदेव भगवान भी पधारे हैं कथा में, हम अभी उनके चरणन में भी एक निवेदन करेंगे, वे भी अपने भाव कुछ कहेंगे। उससे पहले बड़े प्रेम और भाव से सब लोग गाओ। श्यामा हृदय कमल सो प्रकट हो, प्यारी श्यामा हृदय कमल सो प्रकट हो, और श्याम हृदय कुभा वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। आज कथा के लिए जब आ रहे थे तो एक भाव मन में आयो कि जैसे हमारे सप्त निधिन को भाव एक पंक्ति में हम गावें या पद में हम गावें, ऐसी गिरिराज जी में सेवा करवे आए हैं तो यहीं रसिक बिहारी जी कृपा करें और हमारे अष्ट सखा कृपा करें। आज तक तो हम रोज वृंदावन जा रहे थे पर अब तो यहीं डटनो है, तो अष्ट सखाओं के सहित एक पद और लिखो जाए यहीं पे गिरिराज जी की कथा में। अब वो कब आवेगो ये अभी कोई शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन आज मैं बैठूंगा जरूर गिरिराज जी के पास। तो एक अष्ट सखान से युक्त पद श्री गिरिराज जी के चरणन में विश्राम दिवस तक निवेदन करवे को पूर्ण प्रयास करूंगा, ऐसो भाव है। यदि है पायो तो आप सबन के आशीष से, स्वामी श्री हरदास जी महाराज के आशीष से जरूर होएगो। तो अभी हम वृंदावन वृंदावन गा रहे हैं, फिर गिरिराज जी गाएंगे, गोवर्धन गोवर्धन गाएंगे। हे वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, प्यारो रहे वृंदावन धाम, प्यारो ओ प्यारो रहे वृंदावन धाम, प्यारो रहे वृंदावन धाम। हे रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहां, श्री रूप गोस्वामी प्रगट कियो टिकियो जहां, रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहां, राधा गोविंद रूप निधान वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो दिन कुंज गलन में ब्रज जन मन सुख धाम, विहरत ओ प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम, प्यारो हे मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन श्री मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के सनातन पर
बलि बलि जाए वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन मदन मोहन को रूप निरख के मदन मोहन को हे सनातन बलि बलि जाए वृंदावन मेरो श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन हे गोपी ग्वाल सब ही और धारे प्यारो गोपी ना गोपी ग्वाल सब ही और धारे प्यारो गोपी ना हाँ प्यारो प्यारो जिन कंठ लगायो मधु पंडित श्री मधु पंडित जिन कंठ लगायो और है रही जय जयकार वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन मधु पंडित जिन कंठ लगायो मधु पंडित और है रही जय जयकार वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन श्री गोपाल भट्ट झुके हृदय प्रगट्यो शाली ग्राम गोपाल भट्ट झुके हाँ प्यारो प्रगट्यो शाली ग्राम प्यारो हाँ प्यारो प्रगट्यो शाली ग्राम कौन रूप सुधा को खान हमारो रूप सुधा को खान हे रूप सुधा को खान हमारो रूप सुधा जय हो प्यारो राधा रमण जुलाल वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन हे श्री वृंदावन सुधा को खान हमारो हे रूप सुधा को खान हमारो प्यारो राधा रमण दुलार वृंदावन प्यारो वृंदावन एक बात सत्य बताऊं कभी कभी आप सबन को उत्साह देख के मन करे मैं कूद आऊं बीच में लेकिन भैया मंच की मर्यादा है तो मेरी जगह ते नेक और कूद ले हे वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन ओ आतुर हित वंश पुकारो श्री राधा राधा नाम आतुर हित हरि वंश पुकारो श्री राधा राधा ओ बड़ो प्यारो राधा नाम बड़ो प्यारो राधा नाम बड़ो मीठो राधा नाम बड़ो मीठो राधा नाम हे सघन कुंज वृंदावन आयो सघन कुंज वृंदावन
प्यारो राधा वल्लभ लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन हे मदन टेर वृंदावन आयो मदन टेर वृंदावन आ सघन कुंज वृंदावन आयो किशोर को लाड लड़ायो नवल कुंज ही जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो नवल कुंज ही कुंजन कुंजन की रज धारे कुंजन 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 की रज धारे हरि व्यास युगल यश गाए वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन कुंजन कुंजन की रज धारे कुंजन कुंजन ओ हरि व्यास युगल यश गाए वृंदावन अंतिम पंक्ति में पूरा जोर लगाई हूं क्योंकि ये हमारे यहाँ चित्र विचित्र जी महाराज ये स्वामी जी के ही अंश के रूप में दोनों हैं इन्हीं को ये परंपरा से स्थान है और इन्हीं की परंपरा में बिहारी जी प्रकट भए हैं। भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार प्यारो निधिवन करत बिहार प्यारो करत बिहार ओ प्यारो निधिवन करत बिहार बुझाओ ठाके गाओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्यामा
की कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम। जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम। आ प्यारो वृंदावन अभिराम, प्यारो वृंदावन अभिराम। ओ सप्त निधि ने को ही उजियारो, पिताजी ने भी हस्ताक्षर किए हैं इस पद पर। हमने तो श्री लाल जी को ही नाम रखो है, पर पूज्य पिताजी महाराज बोले नहीं, एक पंक्ति हमारी और जोड़ो। बोले क्या, हमको संकोच तो लगे गावे में, लेकिन पिताजी की आज्ञा है। इंद्र ईश इंद्रेश दुलारो, इंद्र ईश इंद्रेश दुलारो। देखो श्री गिरधर लाल जी ही इंद्रेश हैं, इंद्र के जो ईश, इंद्र का जिन्होंने मान मर्दन किया वही श्री लाल जी हैं। तो पूज्य पिताजी महाराज ने लिखो है, इंद्र ईश इंद्रेश दुलारो, इंद्र ईश इंद्रेश दुलारो। और हम सबको मिलवावे वारो, हम सबको भुजा उठा के हमारो गिरधर लाल। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्याम हृदय को वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। गाओ सब लोग, हे जय राधे राधे, जय राधे राधे, वृषभानु दुलारी, हरिदास प्यारी, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय जय राधे राधे राधे, जय जय राधे राधे राधे, जय जय राधे राधे राधे। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी माँ के बिहारी, श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्री हरिदास दुलारी। श्यामा गोवर्धननाथ की, श्याम सुंदर श्री हमने महारानी की, अनन्य नृपति रसिक श्री शिरोमणि श्री स्वामी श्री हरदास जी महाराज की, कुंज बिहारी लाल की, श्री रसिक बिहारी लाल की, पूछ री के लौटा की, हुँ, हुँ, प्यारे। या मैं एक बदलाव करो, क्या बात है वंशी वारे, शाबाश है वंशी वारे, पूछ री के लौटा की, हु हु प्यारे। वाह, अब आयो आनंद। आप सबन को खूब खूब प्रणाम। आज पूज्य गुरुदेव भगवान भी पधारे हैं कथा में, और आज
हमारे चित्र विचित्र महाराज जी भी एक भाव सुनाएंगे अभी, तो अभी डटे रहो। ऐसा कह कि यहीं तो ही कृष्ण जन्म की कथा भी शुरू कर दूं मैं फिर। तो पहले पूज्य गुरुदेव भगवान के भाव सुने, फिर हमारे चित्र विचित्र महाराज जी को सुनाएंगे, फिर हम लोग आरती करके प्रस्थान करेंगे। गिरिराज धरण प्रभु तुमरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुमरी शरण, गिरिराज धरण